इस वक्त मेरे साथ हैं झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर साहब, उनसे बात करते हैं। डामोर साहब, इस चुनाव में आप एक किंग मेकर की भूमिका में हैं, पूरा दारोमदार आप पे है, भानु भूरिया को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। किंग मेकर तो वास्तविक से देखा जाए तो जनता है, जनता ने मुझे जिताया था, जनता ही भानु भूरिया को जिताएगी। झाबुआ ज़िले के संदर्भ में मैं बोलूँ तो यहाँ कर्ज माफ़ी के नाम पर ठगा गया, यहाँ पर जो हमारे नौजवान साथी थे, बेरोज़गार नौजवान साथी थे, उनको बेरोज़गार भत्ता देने की बात थी उसमें ठगा गया, हमारी महिलाओं को बोला था कि तुम्हारे समूह का कर्ज़ा माफ़ कर देंगे वो ठगा गया, आदिवासी छात्रों के साथ तो और बड़ी दुर्दशा हुई है, उन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है जब से कांग्रेस की सरकार आई है। हाल में एक शिकायत रजिस्टर्ड हुई है UOW में, आप जिस विभाग में ENC थे PHE में, उस विभाग को भी शामिल किया गया जो 11 विभाग है, उसमें घोटाला हुआ है। सरकार, आप इसके पहले भी कह चुके हैं, इसके पहले भी कुछ शिकायतें हुई हैं, तो आप इसके पहले भी ये बता चुके हैं कि अब आप पॉलिटिक्स में आ गए, इस वजह से आप इनके टारगेट पर हैं। देखिए, कांग्रेस का एक नेचर रहा है कि बदले की भावना से काम करना। सिंहस्थ में जिन विभागों के बारे में कांग्रेस बोल रही है घोटाला हुआ है, बदले की भावना से और दुर्भावनापूर्ण लिया गया कांग्रेस सरकार का निर्णय है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार के कोई घोटाला हुआ है या अनियमितता हुई है, मेरा नहीं मानना है ऐसा। आपको कितनी उम्मीद कर रहे हैं झाबुआ सीट को जीत को लेकर? तमाम BJP के नेताओं ने, कैलाश जी, गोपाल भार्गव, राकेश सिंह जी ने कहा कि ये सीट तय कर देगी मध्य प्रदेश की विधानसभा का भविष्य, क्या मानते हैं आप? पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का सफाया हो गया है, पूरे देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, और उसका प्रमुख कारण ये है कि शीर्ष स्तर पर कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई निर्णय लेने वाला नहीं है, कांग्रेस आज अनाज सी हो गई है, कभी माँ बनती है देश, कभी बेटा बनता है, कभी माँ बनती है कभी बेटा बनता है, कभी बेटा कभी माँ, माँ बेटे के बीच में कांग्रेस चल रही है दिल्ली में, यहाँ तो परिवारवाद में कांग्रेस फंसी हुई है, तो कांग्रेस से जनता का भरोसा उड़ गया है। अब जनता कांग्रेसियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही, किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं है, और मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस झाबुआ में तो बहुत बुरी हारेगी ही हारेगी, और कहीं से जीत जाएगी इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। जाहिर है मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है कांतिलाल भूरिया को जिताने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी रात दिन एक करके अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा है, और सांसद महोदय जिस डामोर साहब को पूरी उम्मीद है कि इस बार झाबुआ से BJP का किला एक बार फिर फतह होगा। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 झाबुआ।